हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो मैं अपडेट लेकर के आया हूं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। और वो अपडेट ये है दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये तो डिसीजन बाद का है, लेकिन आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे जो न्यूज़ मिली है उसके माध्यम से ये पता चलता है कि जो क्लास 12 का एग्ज़ाम अभी रुका हुआ है, इसके वजह से जो यूजी और पीजी की जो एडमिशन होती है वो अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए कॉलेज एडमिशन के सेमेस्टर को छोटा करने का डिसीजन लिया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पता चला है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कर सकते हो, उनसे डायरेक्ट कमेंट पर बात कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से सही और सटीक न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग को रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया है और वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के तरफ से ही दिखा रहा है नाम, और इसमें इन्होंने मेरे कार्यों के बारे में अप्रिसिएशन किया है। साथ ही कहा है कि हमें जो भी न्यूज़ देना है बच्चों को वो सही न्यूज़ देना है अथवा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं जो भी न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से सही न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम कैंसिल कराना है या एजुकेशन मिनिस्टर से डायरेक्ट कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके इस रिक्वेस्ट को कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके सारे डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज की ये जो न्यूज़ आई है दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करता है दोस्तों, आज जो न्यूज़ मिला है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है। मैं जो भी न्यूज़ लाता हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को भी प्रूफ के साथ देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो और कोई भी बच्चा गलत इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भ्रमित ना हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सही और तथ्यों के साथ ही सही न्यूज़ को प्रोवाइड करना, क्योंकि दोस्तों अभी आजकल के टाइम में आप लोग देख सकते हो कि यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे न्यूज़ ऐसे भी मिलते हैं जो बच्चे को भ्रमित कर देते हैं और बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वे सोचते हैं एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही विश्वास करना चाहिए। आप लोग को हमेशा जब भी कोई न्यूज़ की डिटेल जाननी हो तो आप लोग सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट को ही सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ आते हैं अगर ऑफिशियल वेबसाइट से आता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। या किसी ऐसे न्यूज़ चैनल पर आप विश्वास कीजिए या किसी ऐसे न्यूज़ पर विश्वास कीजिए जो आपको सही न्यूज़ दे पाता है, या ऐसे न्यूज़पेपर पर विश्वास कीजिए जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आज की ये जो न्यूज़ आई है, बोल रहे हैं द डिफर्ड द WBCHSEHS लाइकली टू डिले द UG एडमिशन लीड टू द शॉर्टर सेमेस्टर फियर प्रिंसिपल्स जो हैं कॉलेज के, वे सभी ये बात के सोच रहे हैं कि अगर ये जो HS का एग्ज़ाम है, क्लास 12 का एग्ज़ाम है, अगर ये इसी तरह से लेट होते रहा, देर होते रहा, तो इन लोगों को फिर सेमेस्टर को छोटा करना पड़ेगा। अगर ऐसे लेट से एडमिशन हुआ बच्चे का तो बच्चा फिर कैसे पढ़ेगा, और कैसे पढ़ेगा साथ ही साथ अगर पढ़ाई नहीं हुई तो फिर एग्ज़ाम में वो क्या लिखेगा। और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन सभी का यही कहना है। तो देखिए, द कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट डिक्लाइन डिसीजन टू डिफर इट्स क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज लाइकली टू फर्दर डिले इन द एडमिशन प्रोसेस फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एट द मोस्ट कॉलेजेस अनाउंस द एंट्रेंस डेट्स ओनली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हायर सेकेंडरी रिजल्ट सेड द प्रिंसिपल दैट माइट अगेन कंपेल टू द फ्रेशर्स टू फिनिश द फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस इन अ शॉर्ट पीरियड दे सेड। तो इन लोगों ने, कॉलेज के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन लोगों ने कहा कि जब तक HS का रिजल्ट आउट नहीं हो जाता है, अर्थात एग्ज़ाम ख़त्म होगा, रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद ही एडमिशन के डेट्स को घोषणा की जाएगी। जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी अपना डिसीजन नहीं दिया है, उसी हिसाब से इन लोगों का ये कहना है कि जो भी होगा इसके बारे में सोचा जाएगा। द गवर्नमेंट ऑन द सैटरडे पोस्टपोन द बोथ माध्यमिक एंड HS examination class 10 and 12 for the slated for the June and June 15. तो यहाँ पर उन लोग कहते हैं the several principal times of India spoke to say that this year admission to UG courses might get even
मोर डिलेड देन द लास्ट ईयर। पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है कि 12वीं क्लास के बच्चों का जो एडमिशन कॉलेज में होता है वो और भी ज़्यादा देर से होगा, और ये देर से होने की वजह से उनके जो सेमेस्टर होंगे वे सेमेस्टर भी छोटे पड़ जाएंगे उनके पढ़ाई के लिए। When the process had started in the second week of August and continued till the first week of the January, at that may colleges and university, university और college में जो admission वगैरह की बातें होती हैं वो ऐसे चलता है और जनवरी तक एक semester complete हो जाता है। Even in a plus two examination are held in July, और जो कि जुलाई में phase two के examination होते हैं वो भी रोक दिए जाएंगे, और इस तरह से बहुत ही late होते चला जाएगा। तो इस तरह से सभी कंडीशंस को देख करके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो सभी भी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा और कब तक ऐसे कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के पास टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा, वे कैसे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, दिस मीन्स द कॉलेज कैन नॉट स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस बिफोर द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। अगर सितंबर से पहले तक कोई एग्जामिनेशन और रिजल्ट आउट नहीं होता है तो इन लोगों का कॉलेज का एडमिशन भी रुका हुआ है, और वो कॉलेज एडमिशन सितंबर से पहले नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहते हैं, दे सेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ द साउथ कोलकाता कॉलेज स्टूडेंट हु टुक एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर हैड 10 वीक्स टू फिनिश द सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस बिफोर अपियरिंग इन द एग्जाम बिफोर द सेकेंड सेमेस्टर। जो बच्चों ने एडमिशन लिया था पिछले साल अगस्त के टाइम में, उन लोगों के पास 10 सप्ताह का वक्त मिला था सेमेस्टर को ख़त्म करके, अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके एग्जाम में बैठने के लिए। वही कहते हैं, क्या कॉलेज कैंपस हैव बीन शट डाउन सिंस द मार्च 2020 आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक की वजह से मार्च 2020 से ही कैंपस के क्लासेस बंद कर दिए गए हैं। दिस ईयर सेवरल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुअली स्टार्टेड रिज्यूमिंग द सम एक्टिविटीज ऑन कैंपसेस लाइक द अलाउइंग एक्सेस टू लाइब्रेरीज फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, बट सेकेंड वेव स्टॉप दैट। जैसा कि फरवरी में इस बार स्कूल्स कॉलेज सभी ओपन रीओपन हो चुके थे, स्टार्ट हो गए थे, और स्टूडेंट्स को कॉलेज क्लासेस करना तथा लाइब्रेरी से बुक वगैरह उपयोग में करना, ये सभी बातों के लिए अलाउ कर दिया गया था। लेकिन जैसा ही सेकेंड वेव आया और इस सेकेंड वेव ने पूरी तरह से सारे कार्यों पर फिर से एक बार रोक लगा दिया, और एक बार फिर से हमारा जो स्टेट है वो एक बार फिर से लॉकडाउन के अंदर से गुजर रहा है। तो इन सभी बातों को देख करके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। डिले इन एडमिशन विल मीन लैग इन द सेमेस्टर आई डेडली द फर्स्ट सेमेस्टर बिगिंस इन जुलाई एंड द एग्जामिनेशन आर हेल्ड इन दिसंबर सेट द अंडर प्रिंसिपल। और एक प्रिंसिपल ने कहा कि अगर जुलाई के एंड तक भी अगर इन लोगों का एडमिशन हो जाता है, एग्जामिनेशन खत्म हो जाती है, तो दिसंबर एंड तक हम लोग उन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बात और कहा, बट द लास्ट ईयर द फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस स्टार्टेड ऑन दिसंबर 16 ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट्स बेयरिंग वन और टू। This year it might get delayed further, said the principal to the North Kolkata. North Kolkata के एक principal ने कहा था कि पिछले बार तो फिर भी थोड़ा टाइम मिल गया था, दिसंबर 16 से ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट और कॉलेज एडमिशन वगैरह ले लिए थे, थोड़ा डिले करके भी उन लोगों का एडमिशन हो गया, लेकिन लाइकली द लास्ट ईयर द एडमिशन प्रोसेस इज लाइकली टू बी हेल्ड ऑनलाइन, इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंज, बट वी डिड इट लास्ट ईयर एंड सो वी हैव एन आइडिया। तो जैसा कि उसमें एक और कॉलेज के प्रोफेसर है तपन कुमार पोद्दार, द प्रेसिडेंट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी चैप्टर, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी यही बात कहा कि हम लोग पिछले साल जैसा कि ऑनलाइन एडमिशन के वगैरह में काम कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा नॉलेज हो चुका है और हम आसानी से इस पर कार्य कर सकते हैं। तो जो भी एडमिशन वगैरह का डेट आउट होगा, जब तक ये क्लास 12 का रिजल्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक ये कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि जब तक क्लास 12 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है या रिजल्ट आउट नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी आगे के कैरियर का काम आप लोग का नहीं हो सकता है, सब कुछ रुका हुआ पड़ा है। आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आने वाला है वो 25 तारीख को, जब सारा स्टेट्स अपना अपना सबमिशन करेगा, सेंट्रल के एजुकेशन मिनिस्टर श्री
रमेश पोखरियाल माननीय एजुकेशन मिनिस्टर के पास, तभी कुछ न कुछ अपडेट आएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो भी अपने डिसीजन को सही तरीके से लेगी, वो भी बच्चों की सुरक्षा को भावने के सोचने के बाद ही कोई डिसीजन लेगी, क्योंकि हर किसी बच्चे का सुरक्षा सबसे पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहला प्रायोरिटी है उनकी सुरक्षा, उसके बाद ही एग्ज़ाम और उनके कैरियर पर फोकस किया जा सकता है। जान है तो जहान है, इसका मतलब कि बच्चों के लाइफ को पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि पिछले मीटिंग में हमारे भारतवर्ष एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बोल दिया कि वे लोग एग्ज़ाम कैंसिल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर इस पैंडेमिक के दौरान जबकि सारे स्कूल सेफ होम बना दिए गए हैं तो इस समय कैसे एग्जामिनेशन होगा। और इधर ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी संभव नहीं है, क्योंकि जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं उनके पास ना ही ऑनलाइन की सुविधा है और ना ही नेटवर्क अवेलेबल है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जो भी फैसला लिया जाएगा हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, वो सभी के लिए हितकारी होगा। आशा करते हैं दोस्तों जो भी डिसीजन होगा वो बच्चों के हित में ही होगा और सभी को अच्छा लगेगा जो भी डिसीजन आएगा। फिर भी हमें इंतज़ार है कि वो डिसीजन कब आता है, देखते हैं 25 तारीख को जब सबमिशन होता है उसके बाद कोई अपडेट आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले अपडेट और अगले रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि आपको कोई भी न्यूज़ मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक बार फिर से नए अपडेट के साथ प्रस्तुत जाऊंगा, तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।